हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सा क्लच पर्स मैक्रम का, जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की मैं जो कोड्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये 40 कोड्स हैं और 20 मैंने जो नोट्स बनाई हुई हैं देख सकते हैं आप। सेम कलर की मैं टू नोट्स जो हैं वो अटैच कर रही हूँ स्क्वायर नोट बना के। ऐसे ही हमने स्क्वायर नोट बनाते जाना है और सारी की सारी कोड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमने अटैच कर देनी है। ये टोटल मैंने 40 कोड्स ली थी जिसकी हमने 20 नोट्स बना दिए हैं और इसमें मैंने 10 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। आप चाहें तो आप इसमें 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें जितने मर्जी कलर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हमने ये सारा जो है अटैच कर दिया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमने बीच वाली कोड लेनी है, 4th नंबर की कोड, और उसके ऊपर हमने ये 2 कोड्स जो हैं वो वाइपिंग कर देनी है। एक नोट बना के एक नोट छोड़ के हमने फिर ये डिज़ाइन बनाना है, देख सकते हैं आप। अब हमने जिस फर्स्ट वाली कोड पे हमने पाइपिंग की थी उसी कोड पे हमने दूसरी और जो है वो पाइपिंग करनी है, 3 कोड्स। देख सकते हैं आप, 3 कोड्स दोनों साइड हमने जो है वो पाइपिंग की है। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर नोट बनानी है और जो ऊपर जिसके ऊपर हमने पहले कोड्स पाइपिंग की है वैसे ही हमने 3 कोड्स फिर से उसके ऊपर रैंडमली जो है पाइपिंग कर देनी है। अगर आपको ये बेसिक नोट्स भी नहीं आती तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको जो बेसिक नोट्स हैं वो बताई हुई हैं, देख सकते हैं आप। लास्ट में भी हमने जो दोनों कोड्स बच जाती हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर हमने पाइपिंग कर देनी है। ये देखिए, ये सारा डिज़ाइन हमने बना लिया हुआ है 1 लेयर में। अब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे इसकी, फिर से वही ये बीच वाली कोड लेनी है और उसके ऊपर ये पहले एक साइड की 4 कोड्स जो हैं वो पाइपिंग करनी है। अब हमने जो फर्स्ट वाली कोड पाइपिंग की है उसके ऊपर इस वाली साइड की जो है 3 कोड्स जो हैं वो पाइपिंग करनी है इसके ऊपर। ये टोटल जो है 8 कोड्स इसमें यूज़ हो रही हैं। 1 कोड के ऊपर हम पाइपिंग कर रहे हैं 3 कोड्स को। ये देखिए, ये 6 कोड्स आ गई नीचे, इसकी हमने फिर से स्क्वायर नोट बना लेनी है। आप चाहें तो इसमें छोटी जो 1 पहले बना के फिर आप 2 और फिर 1 वाली जो है वो भी बना सकते हैं स्क्वायर नोट, और ऐसी बिग वाली स्क्वायर नोट भी बना सकते हैं। फिर हमने वही 3 कोड्स जो रैंडमली लेनी है और उसी के ऊपर जो ऊपर से आ रही थी कोड्स उसके ऊपर ही हमने पाइपिंग कर देनी है। अब ये वाली कोड्स फिर से एक दूसरे के ऊपर हमने पाइपिंग कर देनी है। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन ये बन रहा है हमारा। ऐसे ही सेम 5th नंबर वाली कोड लेनी है और उसके ऊपर हमने 4 जो हैं वो कोड्स एक साइड की जो हैं वो पाइपिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जो फर्स्ट वाली कोड है जिसके ऊपर हमने पाइपिंग किया है वो लेनी है, उसके ऊपर 3 कोड्स फिर से हमने पाइपिंग करनी है। और ये 6 कोड्स की हमने स्क्वायर नोट बना देनी है।
नीचे की ओर फिर से वही 3 कोट्स लेनी है और उसके ऊपर ही हमने पाइपिंग कर देनी है जो ऊपर से हम कोट लेके आ रहे हैं। ऐसे ही इस साइड भी मैंने इसमें बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं। आप चाहे तो आप इसमें सिंगल कलर से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और 2 कलर यूज़ करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमने सारी कोट्स लेनी है और इसकी हमने स्क्वायर नोट बना देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कुछ डिज़ाइन चाहिए, कोई हैंड बैग, कोई पर्स, कोई क्लच, कोई मिरर, कुछ भी और डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरे चैनल में किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी वो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फिर से हमने यहाँ पे सिक्योर नोट बना दी है। ऐसे ही हमने ये सारा डिज़ाइन जो है वो कवर कर देना है। ये मैं वेस्ट मैक्रम से बना रही हूँ, छोटा सा पर्स। अगर आपको ये एक ही कलर में बनाना है तो आपका 1.5 बंडल जो है वो यूज़ होगा इसमें। ये कोट्स मैंने 1.5 मीटर में कट की हुई हैं और ये टोटल 40 कोट्स थी। मैं ये बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में वीडियो जो है वो मिस कर देते हैं। आप स्किप करके वीडियोस मत देखा करो। मैंने पूरी डिटेल में वीडियोस बनाई होती हैं, आप स्किप करते हो तो आपको फिर मिस हो जाता है। यहाँ पे हमने फिर से 4 जो कोट्स लेके स्क्वायर नोट बनानी है क्योंकि हमने बस इतना ही डिज़ाइन बनाना है। इसके आगे हमने बंद करना है, इसको फिनिश करना है, तो इसलिए हमने पहले 4 कोट्स ली, फिर और साइड वाली 2 कोट्स और ऊपर वाली 2 कोट्स लेके हमने स्क्वायर नोट बनाई है। ऐसे ही इस साइड भी हमने सेम साइड की 2 कोट्स लेके ऊपर वाली 2 कोट्स लेके स्क्वायर नोट बना दिए। अब हमने देखना है इसका हाफ हाफ कर देना है, हाफ आगे की और हाफ पीछे की ओर करके हमने यहाँ पे सिक्योर नोट बनानी है। पहले हमने 3 सिक्योर नोट लगानी है, फिर 2, फिर 1 जो हमने ट्रायंगल बनाने हैं। देख सकते हैं आप, पहले हमने 3 नोट्स बनाई, अब 2 बना रहे हैं। जब हमने हाफ करना है किसी भी बैग का तो पहले एक ट्रायंगल बनानी है, उस ट्रायंगल की साइड में हमने एक एक दोनों साइड जो है वो ट्रायंगल बनानी है ऐसे ही, और बीच वाला जो बाकी के बचती हुई नोट्स हैं उसको हमने फिल कर देना है। ये देखिए, हमने पीच वाली जो है वो पहले बनाई थी, दूसरी और हमने ब्लैक और येलो कलर की ट्रायंगल बनाई है, यहाँ पे हम पर्पल और ब्राउन कलर की ट्रायंगल बना रहे हैं। हमने कोई भी पर्स बंद करना है नीचे से तो हमने ऐसे ही करना है। ये
ये देखिए ये एक और हमारी जो है वो ट्रायंगल थर्ड वाली जो है वो भी रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही हमने दूसरी और भी हाफ करके पहले फिर सेम वैसे ही नोट्स बना देनी है, देख सकते हैं आप। अब हमने इसको उल्टा कर देना है बैक को, और जो साइड वाली नोट्स हैं उसको हम टाइटली स्ट्रेच करते हुए फिर से स्क्वायर नोट बना देनी है, और एक एक कोड दोनों साइड से लेनी है और एक एक मिस कर देनी है। देख सकते हैं ये देखिए हम एक स्क्वायर नोट बना रहे हैं दोनों साइड से एक एक कोड लेके, और अब हमने सेकंड में दोनों साइड से एक एक कोड जो है छोड़ दिया, नेक्स्ट वाली जो एक एक कोड है वो हम ले रहे हैं। ऐसे ही हमने फिर से एक एक कोड छोड़ देनी है और नेक्स्ट जो है हमने फिर से नोट बना दी है। ये 3-3 नोट्स ही बनेंगी साइड में, दोनों साइड की जो हमने ट्राइंगल्स बनाई थी वही हमने यहाँ पे ज्वाइन की है, और दोनों कोड्स को दोनों साइड की जो ट्राइंगल वाली कोड्स हमने 3-3 नोट्स बना के लाई हैं लगाई हैं, वही हमने एक बड़ी नोट लगा के ऐसे इसको बाकी की नोट से भी अटैच कर देना है। ये देखिए हमने फिर से दोनों साइड से एक एक नोट ली है, एक एक कोड ली है सॉरी, और नोट बना दी। अब हमने एक एक कोड जो है वो दोनों साइड की छोड़ देनी है, और नेक्स्ट वाली जो कोड है वो दोनों साइड से सेम लेनी है। जैसे एक नोट में 4 कोड्स होती हैं, पहले फर्स्ट कोड लेनी है, फिर हमने सेकंड वाली छोड़ देनी है दोनों साइड की, फिर हमने थर्ड वाली लेनी है, ऐसे ही हमने फोर्थ वाली जो है वो फिर से छोड़ देनी है। ऑड इवन जो है वैसे हम पूरी नोट्स बना के इसके ऊपर लगाएंगे। ऐसे ही ये फिनिशिंग के साथ जो है हमारा पर्स जो है वो बंद होगा। अब हम एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, फिर हमने दूसरी साइड से फर्स्ट वाली साइड को फिर से हमने आना है। 2 लेयर्स बना के ही ये अच्छे से बंद होता है, कई लोग तो एक नोट ही बना एक लाइन बना के ही इसे कवर कर देते हैं। ये देखिए हमने दोनों नोट्स लगा के इसे कवर कर लिया। अब हम एक्स्ट्रा जो हमारी कोड्स है उसको कट कर लेंगे और लाइटर की हेल्प से इसे अटैच कर देंगे। आप चाहे तो आप जितना भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं कोड्स को। अच्छे से इसे लाइटर की हेल्प से हमने अटैच कर देना है। अब हमने सीधा कर लिया इसको, देखिए ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन के हमारा रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसमें सेम आप बड़ा बैग भी बना सकते हैं सेम इसी डिज़ाइन से। मैंने इसमें डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये मैं वेस्ट मैक्रम से बना रही थी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको और वीडियोस कैसी चाहिए आगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।